Very good morning to one and all. So, and wish you a happy new year. Okay, hope this year will be very much great and carry happiness for all of us. Okay, now the second part of chapter 5 revision, that is biology class 9. Okay, so today we'll do after the osmosis. Till osmosis we have done. Okay, now second part. First we did plasma membrane. Okay. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली यू कैन से कि एक गार्ड की तरह होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर टॉक्सिक काइंड ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर नहीं आने देता, ओके। एंड दैट्स द रीजन इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल membrane. Okay, so this is again important question, why plasma membrane is known as selectively permeable membrane. ये आपके एग्जाम में 1 mark या 2 marks में आपसे पूछा जा सकता है, तो simply you will write because it selects the substances according to the requirement of the cell. And also it just exits and allows the entry of the basic substances. अगर कोई substance की requirement नहीं है तो वो उसको बेसिकली अंदर अलाउ ही नहीं करेगा, और अगर है तो ही वो अंदर अलाउ करेगा। एंड दैट टू शुड बी परफेक्ट फॉर आवर सेल, जब वो सही होना चाहिए, ओके, तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगा। नेक्स्ट कम टू सेल वॉल। एज वी ऑलरेडी नो सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, हमारा हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, ओके, बट प्लांट सेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ओके, बट वी कैन फील प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स में जैसे आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आप प्लांट से बातें भी कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी चीज जो किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे, बिकॉज नाउडेज ऐसा टाइम है कि हम हर चीज हर किसी को नहीं बता सकते हैं। सो इन दैट केस यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद plants and definitely it will help you out, okay, this is my personal experience, fine. So basically cell wall gives protection to the plant cell, theek hai, aur ye cellulose se bana hota hai basically. cellulose jaise aapko pata hoga, cellulose jo type hota hai wo carbohydrate ka ek type hota hai, detail mein higher classes mein padhenge, theek hai. glucose aapne suna hoga, usi tarah hota hai cellulose ye kuch, theek hai. next aap aa jaiye साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो साइटो सेल, प्लाज्मा होता है प्लाज्मा फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली वो पार्ट होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, ओके, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ द सेल, ओके, आइदर प्लांट सेल और आइदर एनिमल सेल। नेक्स्ट प्लास्टिड, प्लास्टिड भी आपको पता होगा सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बिकॉज प्लास्टिड ऐसे पिगमेंट एक होते हैं जो प्लांट्स को वेरियस कलर्स प्रोवाइड करते हैं, ओके, और ये बेसिकली 3 types के होते हैं प्लास्टिड्स, और ये आपका 3 types होता है, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से कुछ आपको याद आ रहा होगा, क्लोरोफिल है ना, ग्रीन कलर, प्लास्ट प्लास्टर, फिर आपका क्रोमो प्लास्ट, क्रोम, गूगल क्रोम आपको पता होगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स बने होते हैं, तो क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है, प्लास्टर। एंड लास्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स व्हाइट, ठीक है, या फिर आप कलरलेस भी कह सकते हैं इसको। वी आर डूइंग रिवीजन, तो आई एम बेसिकली एक्सप्लेनिंग द बेसिक पार्ट्स, ओके। सो क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके, प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं जिसको, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर और भी जैसे पार्ट्स होते हैं, थाइलाकोइड्स आप डिटेल में ही वीडियो में है ये क्लासेस। ओके सो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट बेसिकली होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिससे प्लांट्स में इजीली फूड सिंथेसाइज होता है और जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन जो हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड वी कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। एंड दैट्स द रीजन कि ऑब्वियसली हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। इनफैक्ट आई जस्ट सजेस्ट, इनफैक्ट सभी लोग बोलते हैं, आपको पता होगा कि अगर पॉसिबल हो तो रोज तो पॉसिबल नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन एटलीस्ट अपने बर्थडे पे या जैसे नए साल का आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि एटलीस्ट आप इतने जो प्लांट्स हैं वो आप लगाएंगे, चाहे तो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं या आप टेम्पल में जाके मंदिर में जाके आप डोनेट कर सकते हैं प्लांट्स को, ठीक है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लिविंग आवर लाइफ एक्चुअली। ओके नेक्स्ट कलरफुल, ठीक है। तो आपको पता होगा पेटल्स, ठीक है, तो क्लोरोफिल जैसे लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेपल्स पार्ट जो होता है, इसलिए जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका पेटल्स पार्ट हो जाएगा जो कलरफुल होगा, और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा ये आपका सेपल्स पार्ट हो जाएगा जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कलरफुल हो गया पेटल्स, तो जो पेटल्स या बाकी जो पार्ट कलरफुल होते हैं किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, और जो ग्रीन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, इसकी वजह से, ठीक है। और लास्ट है आपका लीकोप्लास्ट, ये आपका आपको पता होगा ब्रेकिंग ऑफ लीव्स, जो पत्ते झड़ रहे हैं। ओके तो जो पतझड़ होता है बेसिकली या जो लीव्स होते हैं वो व्हाइट ये येलोइश अपीयरेंस में हो जाते हैं, व्हाइटिश कलरलेस हो जाते हैं, वो जो लीव्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो वो बेसिकली जिसकी वजह से लीव्स जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं जब वो कलरलेस हो जाता है, दैट इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट के और फंक्शन होते हैं, टू स्टोरेज का फंक्शन भी होता है इसका, टू स्टोर प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स को और प्रोटीन्स को, लिपिड्स यानी फैट्स को स्टोर भी करता है। जैसे प्लांट सपोज किसी दिन ऐसा हुआ कि सनलाइट नहीं आई, उस केस में क्या करता है जो प्लांट है वो यहाँ से अपना पर्टिकुलर जो फूड है वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।